कहाँ हार जीत थोड़ी ना होती है, एक ने मांझा पकड़ा हुआ था, एक पतंग उड़ा रहा था। बिल्कुल, हम शुभारंभ के हमने जो टैगलाइन है एक और 11 को हमने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता है एंड अक्षित नोज हाउ टू डू इट। तो हम लोग साथ साथ में मिलकर पतंग उड़ा रहे थे एंड आई गेस इट वॉज फन। मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी बिकॉज मैंने बचपन में नहीं इतनी उड़ाई है। सो या तो मुझे जैसे बचपन में जब पतंग उड़ाने जाते थे तो छोटे भाइयों के साथ क्या करते हैं, बड़े भाई चल तू मांझा पकड़ मैं पतंग उड़ाऊंगा। मैंने वही सेम चीज़ रानी के साथ की, तू मांझा पकड़ मैं पतंग उड़ाऊंगा। वैसे तो मैं बॉम्बे में हमेशा से मेरी यू नो लाइफ, मतलब आई एम अ बॉम्बे पर्सन, सो मेरे लिए पतंग उड़ाना इतना फैसिनेटिंग नहीं हुआ करता था। मैं जैसे अक्षत अपने यू नो वो फिरकी पकड़ने वाला काम करता था, सेम मैं भी अपने भाई के साथ, क्योंकि वो उड़ाता था, वो अपने दोस्तों के साथ उड़ाता था एंड आई यूज टू बी लाइक यू नो क्या करना है फिरकी पकड़नी है, बट लॉट्स ऑफ फन या मतलब। लेकिन इतने सालों में पतंग उड़ाने का ट्रेडिशन बॉम्बे में इतना कम हो गया है एंड हम जितना सुनते हैं कि यू नो अहमदाबाद में, गुजरात में बहुत अभी तक ये ट्रेडिशन रिचुअल चल रहा है, बट बॉम्बे में ये एक चीज़ है जो यू नो जगह ही नहीं होती, इतने सारे बिल्डिंग्स और इतने सारे ओपन एरियाज़ नहीं होते। सो आई गेस वो चीज़ मैं मकर संक्रांति की बहुत मिस करती हूँ। यू नो पतंग देखना इटसेल्फ यूज्ड टू बी सो मच जॉय, बट एक चीज़ है जो इतने सालों से हमारे घर पे कंटिन्यू करते आ रहे हैं और वो है तिल गुड़ के लड्डू। एंड आप जैसे कि देख रहे हैं मम्मा लड्डू बनाती हैं एंड यू नो शाम को मकर संक्रांति के दिन आप नेबर्स के घर जाते हो एंड मराठी में बोलते हैं तिल गुड़ गया एंड गोड़ गोड़ बोला, विच मीन्स ये लड्डू लो एंड आपके बोल सिर्फ और सिर्फ स्वीटनेस और यू नो गोड़ाचे असावे। तर दिस यूज टू मतलब ये अभी भी हम कंटिन्यू करते हैं। आई गेस इस साल लड्डू मैं सेट पे बटवाऊंगी सो दैट यू नो ये मकर संक्रांति में मकर संक्रांति का एक हिस्सा सेट पे भी सेलिब्रेट कर पाऊँ। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे वहाँ जहाँ से मैं हूँ दिल्ली पंजाब, वहाँ पे मकर संक्रांति मतलब काइट्स का कोई वहाँ पे ऐसा सच कुछ रिवाज नहीं, और मुझे पता भी नहीं था कि इतना बहुत अच्छे तरीके से गुजरात में काइट्स उड़ाई जाती हैं। हमने 15 अगस्त पे जितनी उड़ाई हैं उसी टाइम की हैं, बट अभी पता चला एंड आई विश कि काश हम गुजरात जा पाते इस टाइम पे और मैं वैसे आसमान देख पाता इतनी सारी पतंगे उड़ते हुए, बट अभी जो है हम उसमें खुश हो जाते हैं कि तिल गुड़ के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, रानी को भी बहुत पसंद है, तो हम एक दूसरे को लड्डू खिलाएंगे अब। मैंने खिला रहा।